अनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की सरकार बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी पहल करने जा रही है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए बिहार सरकार एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रही है। जी हां, आपके रोजगार का सपना जो है वो जल्द नीतीश कुमार की सरकार पूरा करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा पिछले साल बिहार के शिक्षकों को नौकरी दी गई, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षा विभाग में बहाली करके शिक्षकों की नौकरी मिलने के साथ ही साथ तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा हथियार हो गया है कि बेरोजगारों को रोजगार हमने दिया, और वो 17 महीनों के अंदर जिस तरीके से लगभग 4.25 लाख के करीब शिक्षकों को नौकरी दिया, उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार हो गया। 2024 के चुनाव प्रचार प्रसार में जहां पर भी तेजस्वी यादव जाते, एक ही बात वो कहते कि सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया है आपको, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है या फिर 17 महीनों में तेजस्वी यादव के द्वारा दी गई। अब इस हथियार का काट एनडीए गठबंधन के पास नहीं था, जिस वजह से उसे कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस हथियार का काट भी ढूंढ लिया गया है। जी हां, बेरोजगारों को नौकरी दी तो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव के मुंह पर चुप्पी लगा दी जाएगी, ताला लगा दिया जाएगा। देखिए, विभाग में बहाली को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी तैयारी में है। 2025 में विधानसभा के चुनाव से पहले नीतीश कुमार बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बिहार के 5 लाख सरकारी पद पर रिक्त बहालियों को पूर्ति करने वाले हैं। जी हां, 90% और कहीं 100% पोस्ट खाली है बिहार में, और इन जगहों पर नीतीश कुमार की बड़ी तैयारी है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों को भर दिया जाए। तेजस्वी यादव ने तो सिर्फ एक ही विभाग में नौकरी दिया, लेकिन नीतीश कुमार अब सभी विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। ये हथियार अब उनके पास है कि हमने तो सभी विभाग में नौकरी दे दिया। बताया आपको कि कई विभाग में, जैसे कई आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें अलग अलग आंकड़ों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अब रिक्त पदों को खोजा जा रहा है, जिनमें सबसे पहले शिक्षा विभाग, जिसमें 2 लाख के करीब भर्ती है, स्वास्थ्य विभाग जिसमें 65,000 के करीब रिक्त पदे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गृह विभाग जिसमें 41,000 रिक्त पदे हैं, ग्रामीण विकास विभाग जिसमें 11,000 रिक्त पदे हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग जिसमें लगभग 2,000 के करीब हैं, पंचायती राज में 5,000, कृषि विभाग में 3,000, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 4,500, वहीं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुल स्वीकृत पद 797 हैं, लेकिन सिर्फ 35 लोगों को कार्यबल ही ये काम कर रहा है। बताइए, 797 लोगों की भर्ती पदे जो हैं वो खाली हैं, और अभी वर्तमान में कितने हैं तो मात्र 37 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे काम को कर रहे हैं। भवन निर्माण विभाग में 5,000 पद खाली है, लेकिन भवन निर्माण विभाग में कुल 5,000 पद है, लेकिन 3,000 पद खाली हैं। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल सचिवालय में भी 3,000 पद खाली हैं, लेकिन अब तक 770 लोग ही यहाँ काम कर रहे हैं, और रिक्त पदे कुल मिलाकर 2,994 हैं। और देखिए, इसके लिए बाजाबता अब एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। अब इस लेटर के अनुसार यहाँ पर आपको कुल रिक्त पदे जो हैं वो मिलने वाली हैं, यानी कि यहाँ पर डाटा आपको मिल रहा है। नीतीश कुमार बिहार में 5 लाख भर्तियाँ लाने वाले हैं विधानसभा के पहले, और अलग अलग विभाग के हमने आपको बताया किस तरीके से अलग अलग विभागों में बड़ी बहाली की तैयारी में नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि सहकारिता विभाग में खाली पद है, आपदा प्रबंधन विभाग में खाली पद है। इसके साथ साथ आपको बता दें, आपदा प्रबंधन विभाग में पद खाली है, इसके साथ ऊर्जा विभाग में खाली है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में खाली है, वित्त विभाग में खाली है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में खाली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन में 3,845 पद
इस वक्त खाली हैं और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में भी 1000 पद खाली हैं। आपको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बातचीत की जाए तो 31, श्रम संसाधन विभाग में 5000, विधि विभाग में 128, खान एवं भूतत्व विभाग में 301, लघु जल संसाधन विभाग में 7548, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 430 पद खाली हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य में 17, इसके अलावा योजना एवं विकास विभाग में 3000 पद, लोक स्वास्थ्य में 218, मद्य निषेध उत्पादन विभाग में 281, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15000 पद खाली हैं, पथ निर्माण विभाग में 2465, ग्रामीण कार्य विभाग में 3000 पद, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 7163, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग में 6000 पद खाली हैं। इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग में 10000 पद खाली हैं, गन्ना विभाग में 1000, पर्यटन विभाग में 91, परिवहन विभाग में 7000, निगरानी विभाग में 361, जल संसाधन विभाग में 13000, वहीं खेल विभाग में एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। इस तरह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में 16,26,927 पद हैं और 11,53,991 कार्यबल ही काम कर रहे हैं। वहीं राज्य के 45 विभाग में कुल 4,72,976 पद यानी 5,00,000 रिक्तियां इस वक्त पूरे बिहार के सरकारी विभागों में हैं। और इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी विभागों में एक साथ भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। विगत 1 से 2 महीने के अंदर इन सभी विभागों में एक एक करके रिक्तियां भरी जाएंगी। 2025 के पहले तेजस्वी यादव के 4,00,000 बनाम 5,00,000 पर भारी पड़ने का क्या ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।